नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुभकामनाएं। मेरा नाम अनिल राजपूत है, मैं MBA फाइनेंस और फाउंडर हूं फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के अलग अलग प्लान के अलग अलग फीचर्स के बारे में कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और आपकी पॉलिसी के अंतर्गत क्या फीचर्स हैं और कौन से फीचर्स अच्छे होते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, उसके प्लान और फीचर्स दोनों अच्छे हैं, तो ये सारा कंपैरिजन करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको कंपैरिजन और उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं पहला फीचर जिसका नाम है को पेमेंट, को पे करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब जगह नो को पे लिखा हुआ, इसका मतलब अच्छी बात है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 20%, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एडमिट होते हो हॉस्पिटल में और आपका लाख रुपए का बिल आता है तो 20,000 यानी कि 20% आपको जेब से देना है, बाकी का 80,000 रुपए कंपनी देगी। तो मतलब वो पॉलिसी अच्छी होती है जिसमें को पेमेंट जीरो होता है। बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ जिसका नाम है कवर रिस्टोरेशन, जिसको अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं रिस्टोर बोलते हैं, कहीं रिचार्ज बोलते हैं, तो कहीं कुछ और नाम से जाना जाता है। मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है और ये इनबिल्ट फीचर्स आता है, इसके लिए आपको कोई एडिशनल प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 मेंबर फैमिली में और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और आपकी पॉलिसी रिस्टोरेशन कवर करती है, इसका मतलब ये हुआ कि आप साल भर में टोटल 20 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हो। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार पड़ा और 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ गया एक ही साल के अंतर्गत, तो ऑटोमेटिक कंपनी वापस से आपके पॉलिसी के अंतर्गत 10 लाख रुपए का रिस्टोर कर देगी, रिचार्ज कर देगी आपकी पॉलिसी को। और वापस कोई फैमिली मेंबर या आप खुद वापस से बीमार पड़ जाएंगे तो 10 लाख रुपए तक का अगर वापस क्लेम करोगे तो कंपनी आपको देगी। ये फीचर्स में और भी कुछ एडिशनल चीजें होती हैं, उसके बारे में डिटेल्स में आपको जानना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए कि कौन सी कंपनी के कौन से रिस्टोर में सेम पर्सन सेम डिजीज भी कवर होती है कि नहीं होती है, पार्शियल अगर आपने यूज किया है कि पूरा रिस्टोर बेनिफिट यूज किया है कि नहीं, उसका किस तरीके से बेनिफिट रहते हैं या क्या उसमें टर्म एंड कंडीशन रहती है, उसके बारे में आपको जानना हो तो आप हमें कॉल करिए ताकि मैं कंपनी और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इसमें रिस्टोरेशन का मीनिंग क्या है। अगला फीचर है डेली कैश अलाउंस। डेली कैश अलाउंस मतलब अगर आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम में रह सकते हो लेकिन आप शेयर करते हो अपना अकोमोडेशन, तो वहां पे कंपनी आपको कुछ कैश अलाउंस देती है, कुछ 800 रुपए देती है, कुछ मैक्सिमम 6,000 रुपीज देती है, तो डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी और ये किस तरीके से आप डेली कैश अलाउंस ले सकते हैं। फ्री हेल्थ चेकअप, आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनी के मोस्ट ऑफ द प्लान है जो फ्री हेल्थ चेकअप देते हैं, कोई साल में एक बार देता है, कोई 2 साल में एक बार देता है, लेकिन फ्री हेल्थ चेकअप जरूर मिलता है। किसी की लिमिट होती है, कोई 5,000 रुपए तक ही देता है तो कोई 10,000 रुपए तक देता है फ्री हेल्थ चेकअप। तो इस तरीके से कंपनी टू कंपनी प्लान टू प्लान ये डिफर करता है कि फ्री हेल्थ चेकअप कितना मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट, ये ज्यादातर पॉलिसीज में अवेलेबल नहीं होता है लेकिन आज की डेट में बहुत सारी कंपनियों ने ऐसे प्लान निकाले हुए हैं जहां पे सीजेरियन हो जाए या नॉर्मल डिलीवरी हो जाए दोनों को कवर किया जाता है अलग अलग अमाउंट पे। तो अगर आपको स्पेसिफिक मैटरनिटी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी लेना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी सुटेबल पॉलिसी रहेगा। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो ज्यादातर कंपनी आजकल देने लगी हैं। इसमें अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिसने ये पॉलिसी परचेज करी है, कोई कंपनी उसमें 50% नो क्लेम बोनस दे रही है, कोई 60% दे रही है, कोई 10% ही दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और अगर कोई कंपनी आपको 50% नो क्लेम दे रही है, मतलब आपने पॉलिसी ली उस साल में आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो अगले साल आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ करके 15 लाख हो जाएगा, 50% से बढ़ जाएगा। तो अगले साल अगर एक साथ में 15 लाख का भी क्लेम आता है तो कंपनी आपको पूरा का पूरा 15 लाख पे करेगी, उसके लिए कोई एडिशनल प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ेगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, हर कंपनी के हर प्रोडक्ट के अलग अलग क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90 या उसके आसपास में है तो ये अच्छा माना जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में। आजकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी काफी लोग करवाना
चाहते हैं, जैसे आपने सुना होगा बाबा रामदेव जी के बारे में, और भी बहुत सी जगह हैं जो आज के डेट में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, होम्योथेरेपी से ठीक होना चाहते हैं, तो बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो इस तरीके के एक्सपेंसेस को भी कवर करती हैं। एम्बुलेंस चार्जेज, एम्बुलेंस चार्जेज अगर आप बीमार हो जाते हो या कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको घर से हॉस्पिटल ले जाने में जो एक्सपेंस होता है, जो एम्बुलेंस का कॉस्ट आता है, वो कितना कवर करती है? ऑलमोस्ट सारी कंपनी एम्बुलेंस कवर करती है। कुछ लोग 2000 रुपये पर अकरेंस पे देते हैं, तो कुछ 750 रुपये देते हैं, तो कोई एक्चुअल कॉस्ट तक देते हैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, प्लान टू प्लान। डे केयर प्रोसीजर, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है, जहां पे कोई ऐसी बीमारी हो जाए या कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवाना हो जिसके लिए आपको 24 घंटे एडमिट होना जरूरी नहीं है, तो उस तरीके की कवर होते हैं कि नहीं होते? कुछ कंपनियां सारे के सारे डे केयर कवर करती हैं, कुछ कंपनियां हैं जो लिमिट देती है, कुछ 124 बोलती हैं, कोई 421 बोलती हैं, कोई 541 बोलती हैं, तो डिपेंड करता है कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लान में अलग अलग तरीके से डे केयर प्रोसीजर को कवर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल किसी को डायलिसिस करवाना है, किसी को कीमोथेरेपी करवानी है, उसके लिए कोई 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके की चीजें भी डे केयर प्रोसीजर में कवर होती है। आईसीयू चार्जेस, आज की डेट में अगर देखें कि कोई अगर बीमार होता है वो आईसीयू में चला जाता है, आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो काफी महंगा होता है, तो अगर वहां पे कोई लिमिट नहीं है तो वो पॉलिसी बहुत अच्छी है। कुछ कंपनियों की पॉलिसीज में लिमिट होती है कि 2% ऑफ सम एश्योर कर देते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपका 2000 की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और आप 2% का मतलब हुआ कि 4000 रुपये तक का पर डे का आपको आईसीयू का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा हो जाएगा तो आपको जेब से लेना पड़ता है, लेकिन अगर आईसीयू में कोई लिमिट नहीं है तो वो पॉलिसी बहुत अच्छी है। न्यू बॉर्न ट्रीटमेंट, बहुत सारी पॉलिसीज आजकल मार्केट में ऐसी हैं जो न्यू बॉर्न ट्रीटमेंट भी देते हैं, उनको वैक्सीनेशन का खर्चा भी प्रोवाइड किया जाता है, तो अलग अलग कंपनी में मैं वापस से रिपीट करूंगा, आपकी जरूरत के अनुसार ऑलमोस्ट ये सारे फीचर्स वाली पॉलिसी अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फीचर्स के लिए पॉलिसी परचेज करना है तो आप डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर चीज का फीचर्स का कंपैरिजन नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां और हर कंपनी के पास में 10 प्लान है, तो आप इजीली सारे कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि एक ही फीचर से आप ये कंपनी अच्छी है या बुरी है डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। आपकी जरूरत के हिसाब से हर कंपनी के पास में हर तरीके का प्लान अवेलेबल है, तो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर फीचर के लिए पॉलिसी बाय करना है तो आप डेफिनेटली हमसे कॉन्टेक्ट करिए। बाकी मेजर फीचर जो कॉमन फीचर है वो आप यहाँ से कंपेरिजन करके पॉलिसी ले सकते हैं या समझ सकते हैं। ओपीडी डेंटल, बहुत सारी कंपनियां, ज्यादातर कंपनियां इसको कवर नहीं करती हैं, कुछ प्लान है जो डेंटल को भी कवर करते हैं, बाकी ज्यादातर कंपनियां ओपीडी डेंटल को और आउट पेशेंट जो ओपीडी के ट्रीटमेंट होते हैं, जहां पे आप डॉक्टर को बार बार दिखाने जाना पड़ता है, किसी के घर में अगर छोटे बच्चे तो ये कॉमन चीजें हैं कि थोड़े थोड़े टाइम में आपको किसी न किसी वजह से डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है और वहां पे थोड़े बहुत खर्चे आ ही जाते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो चीजें कवर नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कोई ओपीडी से रिलेटेड पॉलिसी चाहिए तो वो सेपरेट पॉलिसी आपको मिलती है, और कुछ कंपनियां हैं, बहुत कम कंपनी है जिनके पास में ओपीडी से रिलेटेड पॉलिसी में फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको जो खर्चा होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, और कुछ कुछ कंपनियां हैं जो ये फीचर्स में आपको कवर भी देती है। फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, करण और अर्जुन। करण ने एक पॉलिसी बाय करी है हेल्थ इंश्योरेंस की, इसमें 10 लाख का इंश्योरेंस कवर है। अर्जुन ने बाय नहीं करी हुई है, लेकिन अगर करण बीमार हो जाता है और उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और अर्जुन उसे अपनी किडनी देना चाहता है, तो उसके इलाज में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है उसमें जो खर्चा आ रहा है, जो मेडिकल खर्चा आ रहा है, जो सर्जरी का खर्चा आ रहा है, करण और अर्जुन दोनों का, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ये 30 डेज और 60 डेज ज्यादातर कंपनियां देती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कंपनियां आजकल देने लग गई है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तो आपको 180 डेज तक का भी मिलने लग गया है, यानी कि 6 महीने तक। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो एडमिट हुआ ट्रीटमेंट के लिए और 15-20 दिन के बाद में वो डिस्चार्ज हो गया है, उसके बावजूद उसको घर पे दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि डिस्चार्ज होते तुरंत कोई ठीक नहीं होता, तो डिस्चार्ज होने के बाद 160 दिन तक और एडमिट होने के पहले के 30 या 60 दिन तक के खर्चे भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज के मोस्ट ऑफ द प्लान कवर करते हैं।
प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर आप पॉलिसी लेने से पहले ही आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसको अगर आप डिस्क्लोज करते हो, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, तो उस बीमारी से रिलेटेड कंपनी, कुछ कंपनियां 3 साल के बाद में कवर करती है, कुछ कंपनियां 4 साल के बाद में कवर करती है, कुछ कंपनी अगर कुछ ज्यादा मेजर डिजीज है तो कवर देती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है तो शायद ही कंपनी कोई पॉलिसी देगी, लेकिन किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो कंपनियां पॉलिसी देगी लेकिन आपको एक लोडिंग के साथ में देगी, एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ में देगी, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो कवर है वो 3 या 4 साल के बाद में कवर होगा, तुरंत नहीं होगा। रिकवरी अलाउंसेस, ये बहुत कम कंपनियां देती है, लेकिन आजकल रिकवरी अलाउंसेस भी मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई 7 या 10 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होता है और रिकवर होने में उसको टाइम लग रहा है, तो कोई कोई कंपनी, जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे आदित्य बिरला में 1% ऑफ सम अश्योर्ड लिखा हुआ है, या 10,000 रुपए तक उनको अगर 10 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट है तो मिल जाते हैं, कि मतलब आप 10 दिन तक काम पे नहीं जा पाए या घर का जो खर्चा है वो कैसे चलेगा, तो रिकवरी अलाउंस के नाम पे आपको 1% ऑफ सम अश्योर्ड या मैक्सिमम 10,000 रुपीज इस पॉलिसी में मिल जाते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लान में अलग अलग तरीके से मिलते हैं ये बेनिफिट। ट्रीटमेंट एट होम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और जब से ये कोविड आया है और ये फीचर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ट्रीटमेंट एट होम का मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट की कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है, या जिस शहर में वो पेशेंट रहता है वहां पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल नहीं है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो अगर वो ट्रीटमेंट घर पे लेते हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज में ट्रीटमेंट एट होम कवर होता है। अब अगर दो कंपनियां अलग अलग कंपनी हैं, दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, दोनों का एक सेम सम इंश्योरेंस कवर है 10,00,000 रुपए का, एक ही व्यक्ति की फैमिली ले रही है, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चों के लिए 10,00,000 का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, एक में आ रहा है प्रीमियम जो देखेंगे आप 20,963 रुपए, दूसरी कंपनी का प्लान में आ रहा है 20,579 रुपीज का। अब यहाँ पे मैं किसी कंपनी को कम या ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, जिसके यहाँ पे कम फीचर दिख रहे हैं, हो सकता है उसी कंपनी के दूसरे प्लान में इससे भी बेटर फीचर्स अवेलेबल हो आपकी जरूरत के अनुसार, लेकिन मैं सिर्फ यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप हमसे कंपैरिजन करके या कहीं से भी कंपैरिजन करके आप पॉलिसी लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फीचर देखिए फ्री हेल्थ चेकअप का, जहां पे आपको नीवा बुपा की रीअश्योरेंस प्लान जो है, नीवा बुपा जिसका पहले नाम मैक्स बुपा हुआ करता था, तो दूसरा प्लान है स्टार हेल्थ का जिसका नाम है हेल्थ ऑप्टिमा, तो अब इन दो पॉलिसी के अंदर अपन कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्री हेल्थ चेकअप का पॉइंट देखिए, जहां पे आपको नीवा बुपा की पॉलिसी के अंतर्गत फ्री हेल्थ चेकअप 10,000 रुपए का मिल रहा है, वही हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 2,000 रुपए तक का मिल रहा है। नो क्लेम बोनस रीअश्योरेंस में आपको 50% मिल रहा है, यानी कि कोई क्लेम नहीं आता है तो 10,00,000 का इंश्योरेंस कवर बढ़ के अगला साल 15,00,000 का हो जाएगा बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम भरे। वहीं हेल्थ ऑप्टिमा में 25% की ग्रोथ होगी, यानी कि 12,50,000 रुपए हो जाएगा। अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करी जाए या यूनानी कहे या होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करी जाए, तो रीअश्योरेंस की पॉलिसी है वो 10,00,000 के सामने 10,00,000 का पूरा बेनिफिट दे रही है, लेकिन हेल्थ ऑप्टिमा सिर्फ 15,000 रुपए तक ये कवर करती है। अगर एम्बुलेंस चार्जेस की बात करें तो 2,000 रुपए तक मिल रहा है रीअश्योरेंस में, लेकिन हेल्थ ऑप्टिमम मिल रहा है 750 रुपीज, जितनी बार आप हॉस्पिटल एम्बुलेंस में जाना पड़े उतनी टाइम। डे केयर प्रोसीजर की बात करें तो रीअश्योर में कोई लिमिट नहीं, सारे के सारे डे केयर प्रोसीजर कवर होते हैं, लेकिन हेल्थ ऑप्टिमा में 405 डे केयर प्रोसीजर ही कवर होते हैं, सारे के सारे कवर नहीं होते हैं। बात करें ऑर्गन डोनर एक्सपेंस की, तो ऑर्गन डोनर में रीअश्योरेंस पूरा 10,00,000 के सामने 10,00,000 दे रहा है, हेल्थ ऑप्टिमा 10,00,000 के सामने 1,00,000 का ही कवर कर रहा है। अगर बात करें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो रीअश्योरेंस में आपको मिल रहा है 180 डेज का, वही दूसरी कंपनी में मिल रहा है आपको 90 डेज का, लेकिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन दोनों में सेम है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में फर्क है। वही प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करें तो पहले में 3 साल या 2 साल बताया गया है, और दूसरी कंपनी के दूसरे प्लान में 4 साल के बाद में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर होती है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब यह है कि कंपेरिजन करोगे आप, चाहे वो किसी भी कंपनी का प्लान हो, तो आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि प्रीमियम तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब इंडिया में ज्यादातर क्या होता है, जब पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम को देखते हैं, लेकिन जब एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो फीचर्स को देखते हैं कि भाई मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा ये पैसा क्यों कट गया, वगैरह वगैरह।
तो जब भी आप पॉलिसी परचेज करें उससे पहले उस कंपनी के फीचर्स को जरूर कंपेयर करिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अब अगर बात करें कि एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे प्लान हैं तो उनमें क्या फर्क है, उनके फीचर्स में क्या फर्क है, उनके प्रीमियम में अलग अलग डिफरेंशिएट क्यों आता है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक ही कंपनी जिसका नाम मैंने लिया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका पहले नाम रेलिगर हुआ करता था, उसके तीन प्लान है, केयर, केयर एनसीबी सुपर, केयर एनसीबी सुपर एंड अनलिमिटेड रिचार्ज। तो तीनों का अगर देखें तो प्रीमियम अलग अलग आ रहा है, इंश्योरेंस कवर मैंने सेम ही रखा हुआ है। तो इन तीनों के फीचर्स भी यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी में, उसी कंपनी की कौन सी पॉलिसी में ज्यादा फीचर्स हैं। तो आप इसी तरीके से एक ही कंपनी के अलग अलग प्लान को भी कंपैरिजन करके बाय करने में आपको बेनिफिट होगा। तो अभी और भी कंपनी का अगर आप कंपैरिजन करना चाहे, लाइक आईसीआईसी के प्लान का कंपैरिजन करना चाहे, टाटा के प्लान का आप कंपैरिजन करना चाहे, बजाज एलियंस की पॉलिसी का अगर आप कंपैरिजन करना चाहें, मणिपाल सिग्ना की पॉलिसी का आप कंपैरिजन करना चाहें, डिजिट इंश्योरेंस का पॉलिसी का कंपैरिजन करना चाहें, यूनिवर्सल शैम्पो की पॉलिसी का आप कंपैरिजन करना चाहिए, और भी कोई कंपनी जिसका आप, जैसे नेशनल है, यूनाइटेड है, ओरिएंटल है, उन कंपनीज का भी अगर आप कंपैरिजन करना चाहें, एसबीआई की पॉलिसी है, अगर रिलायंस की पॉलिसीज हैं तो उन कंपनी की भी पॉलिसी अगर आप खरीदना चाहें या उनकी पॉलिसी के बारे में भी आप जानना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करिए। हम आपको जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी पॉकेट को सूट करती हैं, जो आप प्रीमियम आपके लिए सूटेबल रहता है, जो आपको फीचर चाहिए, उस तरह के सारे फीचर्स के लिए भी पॉलिसी अवेलेबल हैं, और आपको इस तरीके से हम सारी कंपनीज का कंपैरिजन करके प्रोवाइड करेंगे और डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। जिस तरीके से आप कंपैरिजन करेंगे, आप इनके अलावा आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। आप नॉर्मल अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं और इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं या खुद के लिए पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो आपको 25,000 रुपये तक का ATD में टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी लेते हो तो उसमें भी 30,000 रुपये का एडिशनल आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब से कोविड आया है, ओमिक्रॉन आया है और बहुत सारी नई नई बीमारियां लास्ट 10 सालों में हमने देखी हैं और फ्यूचर में ना जाने कितने नए वेरिएंट और नई बीमारी जाएगी। तो आज की डेट में आपको कंपैरिजन करके टॉप कंपनीज के जरूर प्लान परचेज करिए। किसी भी कंपनी का प्लान समझने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करिए और हाँ, टैक्स बेनिफिट भी। तो जैसा कि आपने देखा ऊपर वाली स्लाइड में कि वहाँ पे ज़्यादातर जो उन्हीं चीज़ों का कंपैरिजन था जो फीचर्स कॉमन है। अब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो फीचर्स वहाँ पे नहीं दिखे लेकिन पॉलिसीज में कवर होते हैं, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे किसी कंपनी के किसी प्लान का प्रीमियम 25,000 आ रहा है तो सेम उसी सम एश्योर के सामने दूसरी कंपनी का 18,000 में भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे जो कंपैरिजन आ रहा है वो कॉमन फीचर्स का आ रहा है और भी बहुत एडिशनल फीचर्स होते हैं जो उस तरह की पॉलिसीज कवर करती है। फॉर एग्जांपल एयर एम्बुलेंस है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें 5,00,000 के सम एश्योर पे भी एयर एम्बुलेंस मिलता है, कुछ कंपनी में 10,00,000 के सम एश्योर पे एयर एम्बुलेंस मिलता है तो कुछ कंपनी में किसी भी सम एश्योर पे एयर एम्बुलेंस कवर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बीमार हो जाते हो और आपको एयर एम्बुलेंस यानी कि आपको हवाई जहाज से किसी दूसरी सिटीज में आपको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना है, जैसे आज की डेट में सोनू सूद के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, उन्होंने एयर एम्बुलेंस के थ्रू भी लोगों को हेल्प करी है और उनका इलाज करवाया है, तो एयर एम्बुलेंस भी कवर करती है मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज। आपकी पॉलिसी कवर करती है कि नहीं करती एक बार जरूर चेक करिए, और पॉलिसी लेने से पहले जिनसे भी आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं उनसे जरूर पूछिए कि इस पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस है या नहीं है। आजकल आप टीवी पे ऐड देख रहे होंगे, बहुत सारे सुपर स्टार है जो अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट के ऐड कर रहे हैं, तो आज की डेट में बहुत से ऐसे अच्छे प्लान आए हुए हैं जिसमें फॉरेन में ट्रीटमेंट करवाने के भी खर्चे कवर होते हैं। आप पॉलिसी इंडिया में लेते हो लेकिन अगर यहाँ इंडिया में इलाज उसका नहीं हो रहा है और आप इसका इलाज बाहर किसी कंट्री में करवाना चाहते हो तो उस तरह के फीचर्स भी अवेलेबल हैं आज की डेट पे अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में। आज की डेट में बेरियट्रिक सर्जरी मोटापे से रिलेटेड, जैसे आपने देखा होगा अदनान सामी पहले बहुत हेल्दी हुआ करते थे, आज की डेट में वो काफ़ी ठीक हो गए और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बेरियट्रिक सर्जरी करवाई है। ये इतनी आसानी से नहीं होती है, इसमें बहुत ही टर्म एंड कंडीशन होती है कि किस पे ये मिलेगा, किसको ये बेरियट्रिक सर्जरी नहीं मिलती है, लेकिन बेरियट्रिक सर्जरी भी आज के डेट में कवर होती है। बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जिसमें अगर डॉक्टर ये लिख के दे रहे हैं कि नॉर्मल खाने पीने से या नॉर्मल ट्रीटमेंट से ये इनका वजन कम नहीं हो सकता, इसके लिए सर्जरी मैंडेटरी है, तो इस तरह के प्लान ये बेरियट्रिक सर्जरी भी कवर करते हैं। ठीक इसी तरह के बहुत सारे अच्छे प्लान हैं जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी भी कवर होती है,
कुछ प्लान IVF के जरिए अगर बच्चों का जन्म होता है उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी कवर करती हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो कुछ ऐसी पॉलिसीज आती हैं जहाँ पे अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है ना, तब वहाँ पे भी आपको एक अमाउंट मिलता है, और अगर डेथ नहीं होती और परमानेंट डिसेबिलिटी जो हो जाती है तो वो भी कवर होता है। इसके अलावा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जिस कंपनी की आप पॉलिसी ले रहे हो उस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल कितने हैं, कितने उनके कैशलेस हॉस्पिटल हैं जो आपकी सिटी में है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। सिर्फ कॉमन फीचर्स के कंपैरिजन करने से कोई पॉलिसी अच्छी या बुरी नहीं हो जाती है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इनके अलावा जो मैं इस वीडियो में बताया, वो सारी चीज़ें आज के डेट में पॉलिसीज में अवेलेबल है। आप पॉलिसी लेते समय उन फीचर्स के बारे में जान सकते हो, पूछ सकते हो। तो अब इस पिक्चर को आप गौर से देखिए जो मैंने काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हैं उनके लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है HDFC स्टार, मैक्स बुपा, केयर, ICICI लोम्बार्ड, बजाज, टाटा AIG, रिलायंस, आदित्य बिरला, ये कुछ कंपनीज के प्लान के मैंने कंपैरिजन किया है प्रीमियम का। सिर्फ यहाँ पे अगर देखें आप 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख का इंश्योरेंस कवर रखा है। HDFC का ऑप्टिमा रिस्टोर है, ऑप्टिमा सिक्योर है। ऑप्टिमा सिक्योर में यहाँ पे आपको प्रीमियम ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया फीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें 4 गुना इंश्योरेंस कवर मिलता है। 10 लाख का कवर लोगे पहले साल से आपको 30 लाख का इंश्योरेंस, यानी कि 30 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो, और अगले साल आप 35 लाख का क्लेम कर सकते हो, और उसके बाद आप 40 लाख तक का क्लेम कर सकते हो। ये एक स्पेशल फीचर है, इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी कंपनियों के अगर आप देखें प्रीमियम में और फीचर में, एक नोटिस चीज करिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैक्स बुपा का रीअश्योर है, जहाँ पे 5 लाख रुपए का अगर आप कवर लेते हो तो 15,639 रुपए आपको देना पड़ता है। लेकिन अब 5 से 10 लाख में जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको 15 की जगह 30,000 का प्रीमियम आएगा, प्रीमियम सिर्फ बढ़ेगा 3,000 रुपए, 18,117 रुपए में आपको 10 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। तो इस कंपैरिजन से आपको ये समझ में आता है कि सिर्फ आप छोटा सा अगर प्रीमियम इंक्रीज करें तो आपका सम एश्योर डबल हो सकता है। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 2 लाख का अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ या 3 लाख का लेता हूँ तो मेरे को कम प्रीमियम में मिलेगी पॉलिसी, ये ज्यादातर लोगों का ऐसा सोचना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आपका सम एश्योर बढ़ता है, आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उस स्पीड से नहीं बढ़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो क्लेम आते हैं ना वो 1-2 लाख रुपए तक किया जाए, 10 लाख 20 लाख के क्लेम बहुत कम आते हैं, इस वजह से उनके जो प्रीमियम है ना वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो आप डेफिनेटली जब पॉलिसी बाय करें तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, ताकि अगर आपका हेल्दी इंश्योरेंस कवर होगा और कल उठ के कुछ बड़ा अगर क्लेम भी आ जाता है तो आपकी जो सेविंग है वो खत्म नहीं होगी, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। इस तरीके से कंपेरिजन करिए और हाई समय से और हमेशा बाय करिए, क्योंकि प्रीमियम उस स्पीड से। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और फ्यूचर में आप लेने वाले हो तो पहले तो आप जल्दी करिए, क्योंकि थोड़े टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम इंक्रीज होने वाले हैं। दूसरा, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो इस तरीके से कंपैरिजन करना ना भूले। कंपैरिजन करोगे तो फायदे में रहोगे, हमेशा फायदे में रहोगे, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे बिजनेस हो या कोई भी सामान आपको परचेज करना हो, कंपैरिजन करना हमेशा आपको फायदा देगा। तो किस तरीके से आपको प्रीमियम में फायदा मिलेगा, किस तरीके से आपको फीचर्स में फायदा मिलेगा, ये हमेशा आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा कंपैरिजन का। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे किसी भी कंपनी के बारे में, पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, मेरा यूट्यूब चैनल का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, पूरे वीडियोस को देखिए, और भी कंपनीज के वीडियोस अवेलेबल है, लाइफ इंश्योरेंस के अवेलेबल है, मोटर इंश्योरेंस के अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स के अवेलेबल है, हेल्थ इंश्योरेंस के अवेलेबल है, आप वो वीडियोस देखिए। और भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, आपको डेफिनेटली फ़ोन पे पूरी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।